सोलर पैनल प्रोजेक्ट में हमेशा से लेड एसिड बैटरी का यूज होता आया है, लेकिन पिछले कुछ टाइम से लिथियम बैटरीज भी मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी हैं और आने वाले कुछ टाइम में हो सकता है लेड एसिड बैटरी से ज्यादा लिथियम बैटरीज बिकनी शुरू हो जाए। तो ऐसे में काफी लोगों के दिमाग में सवाल आता है कि यार हम क्या लें, लेड एसिड बैटरी लें या लिथियम बैटरी लें। देखिए, ये सवाल का जो जवाब है ये आपको खुद ही देना है, लेकिन आपको दोनों के बारे में सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। इस वीडियो में मैं आपको दोनों टाइप की बैटरीज के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स बता दूंगा, लेड एसिड बैटरी के भी और लिथियम बैटरी के भी। एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा जो शायद बहुत से ब्रांड बताते नहीं है क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट बेचने होते हैं, तो मैं आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा, आगे आप डिसीजन ले सकते हैं, आपकी चॉइस रहेगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेड एसिड बैटरी की, और लेड एसिड बैटरी की एडवांटेज क्या है। तो इसमें सिर्फ एक ही एडवांटेज मुझे नजर आती है, क्योंकि हम लिथियम बैटरी से कवर कर रहे हैं तो उसी के विपरीत जो एडवांटेजेस हैं वो हम देखेंगे। तो एक ही एडवांटेज मुझे नजर आती है और वो ये है कि लेड एसिड बैटरी काफी सस्ती पड़ती है लिथियम बैटरी के मुकाबले। अगर आप मार्केट में लेड एसिड बैटरी लेने जाएंगे तो लगभग 150 Ah की बैटरी हर कोई लगाना पसंद करता है अपने प्रोजेक्ट में, तो एक बैटरी आपको 150 Ah की 11,000 से 15,000 या 16,000 के आसपास पड़ेगी, चाहे आप किसी भी ब्रांड की ले लीजिए। तो ये एक बैटरी की कॉस्ट है और ये लिथियम बैटरी के मुकाबले काफी सस्ती है। लेकिन अगर बात करें लेड एसिड बैटरी की डिसएडवांटेजेस की, तो यहां पर लिस्ट काफी लंबी है। सबसे पहले शुरू करते हैं मेंटेनेंस से। तो लेड एसिड बैटरी की जो मेंटेनेंस होती है वो ज्यादा हाई होती है। हाई से मेरा मतलब कॉस्ट से रिलेटेड नहीं है, हाई से मेरा मतलब है कि कितना टाइम आपको उसको देना पड़ता है। तो हर कुछ महीने में आपको उसमें वाटर फिल करना पड़ता है, और अगर आपने बड़ा प्रोजेक्ट लगाया हुआ है जिसमें काफी सारी लेड एसिड बैटरीज आपने कनेक्ट कर रखी हैं, तो इसका मतलब हर कुछ महीने में आपको उन सारी बैटरीज में पानी फिल करना पड़ेगा, और ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 2, स्लो चार्जिंग। लेड एसिड बैटरी जो होती है, अगर आपने वो पूरी यूज कर ली है तो उसको फुल चार्ज होने में लगभग 8 से 10 घंटे लगते हैं। अब मान लीजिए आपने अपने घर पर ग्रिड कनेक्शन कट कराया हुआ है और आप कंप्लीटली सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट है, तो यहाँ पर क्या होता है कि दिन में आपके पूरे अप्लायंसेस सोलर पैनल से चलेंगे, आपकी बैटरी भी चार्ज होगी, और मान लीजिए रात को पूरा बैकअप आपने यूज कर लिया और अगले दिन बादल रहे, तो बादल की वजह से आपका बैटरी बैंक रिचार्ज नहीं हो पाएगा, क्योंकि लेड एसिड बैटरीज को चार्ज होने में 8 से 10 घंटे लगते हैं। अब इसके साथ एक तीसरी डिसएडवांटेज ये हो जाती है कि अगर लंबे समय तक आपका बैटरी बैंक आप इसी तरह से यूज करते हैं, मतलब उसको फुली चार्ज नहीं करते हैं, तो ओवर द टाइम आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो कम होती चली जाएगी। नेक्स्ट इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसका हैवी वेट। एक लेड एसिड बैटरी का जो वेट होता है वो 50 से 60 किलो के आसपास होता है। तो मान लीजिए अगर आपने ज्यादा बैटरी बैकअप का एक पूरा सिस्टम लगाया हुआ है जहां पर आप 8 से 10 लेड एसिड बैटरी यूज कर रहे हैं, तो हर बैटरी के 50 किलो वेट के हिसाब से आप देख लीजिए कितना वेट उस पूरे सिस्टम का हो गया, और उतनी ही ज्यादा जगह भी उनको लगेगी। अगर बड़ा आपका सिस्टम है, 8 से 10 बैटरी आपने लगा रखी है, तो आप ये मान के चलिए एक कमरे जितनी जगह आपको हमेशा से उन बैटरी को देनी पड़ेगी, और वो जो एरिया होता है ना जहां पर ये सारी बैटरी रखी रहती है, वहां पर आप ठीक से सफाई भी नहीं कर पाते, और वहां पर क्योंकि इनमें एसिड का यूज होता है तो एसिड की वजह से वो जो एरिया है ना वो भी थोड़ा सा आपका खराब हो जाएगा। एसिड और फ्यूम्स की बात करें तो ये इनकी नेक्स्ट सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है, इनके अंदर एसिड होता है, और जब भी आप इनमें पानी रिफिल करते हैं, कभी अगर ऐसा होता है कि पानी आपने थोड़ा ज्यादा रिफिल कर दिया तो वो जो एसिड है वो पानी के साथ साथ बाहर आ जाता है और आसपास का सारा एरिया खराब कर देता है, बैटरी की जो आउटर बॉडी है उसको खराब कर देता है, नीचे आपने फर्श पर रखी हुई है बैटरी तो फर्श खराब कर देता है, अगर बैटरी ट्रॉली में रखी हुई है तो बैटरी ट्रॉली भी खराब हो जाती है। तो ये सारी डिसएडवांटेज होती हैं, प्लस इनमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं। तो कभी भी आपने देखा होगा लेड एसिड बैटरी का जो पूरा सेटअप होता है उसको रेकमेंड नहीं किया जाता कि आप जिस कमरे में हैं, जिस कमरे में आप रहते हैं उसी कमरे में इनको लगाइए, हमेशा यही कहा जाता है कि इनको बाहर कहीं पर लगाइए जहां पर जो गैसेज हैं वो बाहर से बाहर चली जाएं। तो इनमें जो एसिड और गैसेज की प्रॉब्लम है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और लास्ट इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है इसकी डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। एक लेड एसिड बैटरी को आप कभी भी फुली यूज नहीं कर सकते, अगर आप बिल्कुल उसके एम्प्टी होने तक उसको यूज करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसकी लाइफ भी कम हो जाती है, प्लस वो बैटरी डेड हो जाती है अगर आपने पूरी यूज कर ली तो। उसके बाद आपको उसे स्पेशल इन्वर्टर के साथ एक कनेक्ट करना होता है, जो नॉर्मल हमारे घर पर यूज होने वाले इन्वर्टर है ये नहीं होता, वो इन्वर्टर वो अलग से होता है, और वो फिर हाई पावर के साथ इसको दोबारा से चार्ज देके दोबारा से बैटरी को रिवाइव करता है। तो ये सारी डिसएडवांटेजेस थी एक लेड एसिड बैटरी की। अब इन्हीं सारी डिसएडवांटेजेस को दूर करते हुए लिथियम बैटरीज मार्केट में आने लगी हैं, तो लिथियम बैटरी की भी कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले इनकी जो एडवांटेज है वो है इनकी लाइफ साइकिल। एक लेड एसिड बैटरी अगर आप मार्केट में लेने जाएंगे तो आपको 3 साल या 5 साल की वारंटी की मिलेगी, और उनकी अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो 5 साल वाली जो बैटरी होती है, 5 साल वारंटी वाली जो बैटरी होती है उसकी जो लाइफ होती है वो 7 से 8 साल आप मान लीजिए। लेकिन जो लिथियम बैटरी है उनकी लाइफ जो कही जाती है वो कही जाती है कि 10 से 12 साल तक भी वो लिथियम बैटरी चल जाएंगी। तो इनकी जो लाइफ साइकिल होती है वो लेड एसिड बैटरी के मुकाबले ज्यादा होती है। दूसरी जो इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज है वो है लो मेंटेनेंस।
लो मेंटेनेंस कहूँ या फिर मैं कहूँ जीरो मेंटेनेंस। तो लेड एसिड बैटरी में मैंने आपको बताया कि उसमें आपको पानी रिफिल करना होता है हर कुछ महीने में, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना। एक बार आप बैटरी खरीद के लाइए, कनेक्ट कीजिए और भूल जाइए। अगले 5 साल 10 साल 15 साल जब तक भी वो बैटरी चलेगी आपको उसमें कुछ नहीं करना। अगर थोड़ी सी धूल उसके ऊपर जमी हुई है तो आप झाड़ू मार सकते हैं, कपड़ा मार सकते हैं, वो आपका हेडेक है, लेकिन इसके अलावा आपको इसमें कुछ नहीं करना, आप लगाइए और भूल जाइए। इसके अलावा अभी मैंने आपको बताया था कि लेड एसिड बैटरी में स्लो चार्जिंग का इशू है, जहां पर उन बैटरीज को चार्ज होने के लिए 8 से 10 घंटे लगते हैं, लेकिन एक लिथियम बैटरी को फुली चार्ज होने के लिए 4 से 5 घंटे लगते हैं। तो यहां पर आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपकी जो बैटरी है, मान लीजिए आधा दिन बादल रहे, आधा दिन धूप निकली, तो उस आधे दिन के टाइम में भी आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। और मान लीजिए रात को पावर कट हुआ है और उसके बाद पावर वापस आई है और ग्रिड से आपकी बैटरी चार्ज हो रही है और उसके बाद पावर जल्दी से चली भी जाती है, तो 2-3 घंटे भी अगर पावर आ गई थी तो 2-3 घंटे में आपकी बैटरी अच्छी खासी चार्ज हो जाएगी। तो फास्ट चार्जिंग इनकी सबसे बड़ी एडवांटेज है। इसके बाद इन बैटरीज में आपको लाइट वेट और लेस एरिया का बेनिफिट मिलता है। अभी मैंने आपको बताया था लेड एसिड बैटरी का एक बैटरी का वेट होता है 50 से 60 किलो के बीच में। एक लिथियम बैटरी अगर आप लेने जाएंगे तो उसका जो वेट होता है वो 30 से 50 किलो के बीच में होता है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि यार 30 से 50 और 50 से 60 इसमें तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस यहाँ आ जाता है कि एक लेड एसिड बैटरी का वेट है 50 से 60 किलो, वहीं पर जो लिथियम बैटरी है वो एक बैटरी 4 से 5 लेड एसिड बैटरी के समान होती है। तो यानी कि 5 लेड एसिड बैटरी का जो वेट होगा लगभग 300 किलो, उसके मुकाबले एक लिथियम बैटरी आपको लगानी पड़ेगी जिसका वेट होगा 30 से 50 किलो के बीच में। और यहीं पर आपको दूसरा बेनिफिट ये मिल जाता है कि एरिया कम लगेगा। मान लीजिए पहले आपका प्लान था जहां पर आपको 8 से 10 लेड एसिड बैटरी लगानी थी तो वो कितनी जगह घेरती, लगभग एक पूरा कमरे की जगह उनको चाहिए थी, लेकिन अब लिथियम बैटरी के साथ सिर्फ आपको 2 बैटरी लगानी पड़ेंगी और इनकी एक ट्रॉली भी आती है जिसमें एक बैटरी के ऊपर दूसरी बैटरी आप लगा सकते हैं, तो आपको वो स्टैक टाइप करके लगानी पड़ेगी। तो एक ही ट्रॉली के ऊपर आप 2-3-4 इस तरीके से आप लिथियम बैटरीज लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कि लेड एसिड बैटरीज में एसिड होता है जिसमें से हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वहीं लिथियम बैटरी में किसी एसिड का यूज नहीं होता, इसमें कोई हार्मफुल गैसेस नहीं निकलती। एक और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये कि ये हाई डेंसिटी बैटरी होती है, तो इनमें जो आपको बैकअप मिलता है वो लेड एसिड बैटरी के मुकाबले ज्यादा मिल पाता है। नेक्स्ट इनकी एडवांटेज ये हो जाती है कि इनमें डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज आपको अच्छी मिल जाती है, यानी कि आप इनको लेड एसिड बैटरी में जैसे मैंने बताया था आप उसको फुली यूज नहीं कर सकते, इनको आप फुली यूटिलाइज कर सकते हैं, आपको इनके डिस्चार्ज होने से कोई इशू नहीं होने वाला। और ओवर द टाइम अगर आप इस बैटरी को फुली चार्ज भी नहीं करते तो भी बैटरी की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। तो ये सारी एडवांटेजेस हैं जो लेड एसिड बैटरी में डिसएडवांटेजेस हैं उनको काउंटर करके ये लिथियम बैटरी आजकल मार्केट में पॉपुलर हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि लिथियम बैटरी के कुछ ड्रॉबैक्स नहीं है, इनके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ड्रॉबैक नंबर 1, ये बैटरी काफी ज्यादा महंगी होती है। अभी मैंने आपको लेड एसिड बैटरी की कॉस्ट बताई थी, 150 Ah की बैटरी अगर आप लेने जाएंगे तो 11 से 15-16 हज़ार की आपको एक बैटरी पड़ेगी। 15 हज़ार एक हम कॉस्ट लेके चलते हैं एवरेज कॉस्ट। मान लीजिए आपने 10 बैटरी का सिस्टम लगाया तो 1.5 लाख रुपए आपकी लेड एसिड बैटरी की कॉस्ट हो गई। वहीं पर अगर आप लिथियम बैटरी लेने जाएंगे उसी सेम बैकअप के हिसाब से तो आपको लगभग 3 से 4 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे उसी सेम सिस्टम के लिथियम बैटरी बैकअप के लिए। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए कॉस्ट कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन ओवर द टाइम अगर आप देखते हैं तो इसमें एक चीज़ और है कि लिथियम बैटरी की लाइफ थोड़ी सी ज़्यादा होती है और लेड एसिड बैटरी की कम। तो कुछ सालों के बाद आपको लेड एसिड बैटरी का जो पूरा आपने सिस्टम लगाया था वो रिप्लेस करके नई बैटरीज भी लानी पड़ेंगी, तो थोड़ी सी कॉस्ट वहाँ पर फिर से ऐड हो जाएगी। लेकिन फिर भी लिथियम बैटरी की जो कॉस्ट है वो लेड एसिड बैटरी के ओवरऑल लाइफ की जो कॉस्ट होती है उसके मुकाबले ज़्यादा ही रहेगी। एक दूसरा ड्रॉबैक यहाँ पर सबसे बड़ा ये है कि ये नई टेक्नोलॉजी है और अभी तक जो हम इसकी लाइफ के बारे में बातें कर रहे हैं वो ब्रांड्स की तरफ से बताई हुई बातें हैं या फिर जो रिसर्चर्स हैं उनकी तरफ से बताई हुई बातें हैं। अभी तक लोगों ने इन बैटरीज को ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ नहीं किया। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक लिथियम बैटरी की जो लाइफ होती है वो 10 से 12 साल तक हो सकती है, अभी तक किसी ने 10 से 12 साल तक इन बैटरीज को यूज़ नहीं किया तो हम क्लेम नहीं कर सकते कि इनकी लाइफ कितनी होगी। हो सकता है थोड़ी कम रह जाए, हो सकता है थोड़ी ज़्यादा भी हो जाए। और इसी के साथ एक तीसरा ड्रॉबैक भी कनेक्टेड है और वो है इनकी रीसेल वैल्यू। लेड एसिड बैटरी आपने 5 साल 8 साल यूज़ करी, उसके बाद वो बैटरी आपकी ख़राब हो गई और आप नई बैटरी लाने की सोच रहे हैं तो ये पुरानी बैटरी आपकी चली जाएगी एक्सचेंज में और बदले में दुकानदार इसके कुछ पैसे हैं वो माइनस कर देगा और आपको नई बैटरी भी दे देगा। लेकिन लिथियम बैटरी की कोई रीसेल वैल्यू नहीं है। एक बार वो बैटरी ख़राब हो गई, उसकी लाइफ पूरी ख़त्म हो गई, तो उसके बाद वो 1 रुपये की भी नहीं जाएगी मार्केट में। ऐसा तो नहीं है 1 रुपये की भी नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत पैसों की वो चली जाएगी, लेकिन लेड एसिड बैटरी के मुकाबले उसकी जो रीसेल वैल्यू है वो काफ़ी कम है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं लिथियम बैटरी के। अब मैंने अच्छे से आपको सारे पॉइंट्स बता दिए, अब डिसीजन लेने का काम आपका है। जाते जाते एक छोटी सी बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लिथियम बैटरी ये अभी एक न्यू टेक्नोलॉजी है
और ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में ये टेक्नोलॉजी मार्केट से हट जाए, क्योंकि और भी ऐसी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है, तो हो सकता है दूसरे टाइप की बैटरीज मार्केट में आ जाएं। एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ। पहले आपको पता होगा हमारे घर पर बड़े वाले टीवी यूज़ होते थे, सबके घरों पर यूज़ होते थे। उसके बाद एकदम से LCD टीवी का दौर आया, लेकिन वो जो दौर था वो 2-4 साल तक ही बना रहा, क्योंकि सबको LCD टीवीज में काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स नज़र आ रहे थे। और फिर मार्केट में नई टेक्नोलॉजी आई LED टीवीज। आजकल जो हम टीवी यूज़ करते हैं सारे LED टीवीज हैं। तो LCD टेक्नोलॉजी एक टाइम पर न्यू टेक्नोलॉजी थी, लेकिन वो 2-4 साल से ज़्यादा नहीं टिक पाई। तो सेम चीज़ हो सकता है लिथियम बैटरी के मामले में भी हो। ये नई टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन इससे भी बढ़िया टेक्नोलॉजीज के ऊपर अभी भी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, और हो सकता है कुछ सालों में वो टेक्नोलॉजी नई बन जाए और लिथियम बैटरी टेक्नोलॉजी चली जाए। तो ये सारे पॉइंट्स थे बैटरी से रिलेटेड। अब डिसीजन लेने का काम आपका है। यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ रेकमेंड कर सकता हूँ, अगर आप छोटा सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं जहाँ पर 2 या 4 बैटरीज का आपका यूज़ है, तो आप लेड एसिड बैटरी पर टिके रहिए। लेकिन अगर आप बड़ा सिस्टम लगवाना चाह रहे हैं जहाँ पर आपको 8 से 10 बैटरीज या उससे भी ज़्यादा बैटरीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप एक बार लिथियम बैटरी को कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इसी टाइप की वीडियोज़ बनाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।